जी, अब नई इंडोक्राइन ग्लैंड है हमारी जिसका नाम है पिट्यूटरी। हालांकि डायग्राम हमारे पास है, हाइपोथैलेमस से इसका रिश्ता है, इसलिए हमने उसको अभी तक जोड़ रखा है। पिट्यूटरी जिसे आप आगे चल के नाम भी एक देते हैं मास्टर ग्लैंड, लेकिन एक और नाम जानिए हाइपोफाइसिस सेरिब्राई। ये नीचे की तरफ है, जो आप थैलमस याद हो थैलमस की फ्लोर वाले हिस्से पर पाया जाता है हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस से भी नीचे की तरफ लटक रहा होगा अंदर इज हाइपोफाइसिस सेरिब्राई दिस पार्ट। तो पहले तो हम इसकी ओरिजिन की बात आपको बता दें। कुछ लोगों को संदेह है इसकी ओरिजिन को लेकर, लेकिन ये 100% कंफर्म है, इट्स ओरिजिन इज एक्टोडर्मल। तो हम पहले आपको रफली बताएं, इधर से हमारी जो ग्लैंड है इसके दो पार्ट हैं। एक पार्ट का नाम कहलाता है एडिनो हाइपोफाइसिस, एडिनो हाइपोफाइसिस। अब हाइपोफाइसिस कहना है हमको इसी पिट्यूटरी के रेफरेंस में, नहीं तो मैं खाली एडिनोफाइसिस भी कह दूं, हाइपो अक्सर लोग नहीं बोलते हैं। दूसरा पार्ट कहलाता है न्यूरो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस। ये दो पार्ट आपको दिख रहे होंगे, ये वाला हिस्सा ब्लैक पेन देखें तो ये न्यूरोफाइसिस और ये वाला हिस्सा एडिनोफाइसिस। तो इसको समझना आपको अलग से होगा, और ये समझ लेंगे तो कभी आपका कोई पॉइंट बिगाड़ नहीं पाएगा एक्टोडर्मा। ऐसा इसलिए है कि जैसे मान ले ये हमारी हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस है, अभी आपने पढ़ भी लिया होगा कि ये ब्रेन यानी न्यूरल टिश्यू है। तो जब शुरुआत हो रही थी हमारे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा था, तो हमारी हाइपोथैलेमस का हिस्सा थोड़ा सा एक्सटेंड करता है और यही वाला हिस्सा न्यूरो हाइपोफाइसिस बना देता है। ये हाइपोथैलेमस का हिस्सा यानी न्यूरल टिश्यू, न्यूरॉन ही है, हाइपोथैलेमस ही इटसेल्फ एक्सटेंड करता है और एक्सटेंड करके ये बना देता है, दिस इज द न्यूरो हाइपोफाइसिस। हम ऐसे लिख दें तो हम ये आपसे कह ले जाएंगे कि इट इज मेड अप ऑफ न्यूरॉन। तो कहां है, वही तो कहा था पोस्टर पिट्यूटरी में आपने, यही तो कहा कि न्यूरॉन है, तो देखो न्यूरॉन है। अगर न्यूरॉन आप मानने को तैयार हैं तो हम इसको एक्टोडर्मल ऑरिजिन कह सकते हैं, तो इसीलिए हम इस पर कहीं संदेह नहीं करते। अब दूसरा हिस्सा एडिनो हाइपोफाइसिस, जहां न्यूरॉन हमको नहीं दिख रहा है, फिर ये कैसे हुआ, इसकी बात यहां से आती है। हमारी एलिमेंट्री कैनाल को ले लीजिए, जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, ये ऐसे हैं जब हम डेवलप हो रहे थे, तो चूंकि हम वर्टिब्रेट हैं इसलिए हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है उसको हम सिर्फ दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक हिस्सा कहलाता है फोरगट और एक हिस्सा कहलाता है हाइंडगट। मिडगट शब्द का प्रयोग कभी भी किसी वर्टिब्रेट में नहीं किया जाता, वो खाली बोलचाल में लोगों को याद रहता है फोरगट मिडगट हाइंडगट। एकदम मूल बात है कि जब इनवर्टिब्रेट पढ़ते हैं तब हम फोर मिड और हाइंड कहते हैं, और वर्टिब्रेट पढ़ते हैं तो कहते हैं फोरगट और हाइंडगट। एक और बात है यहां पर, ये हमारे पास जो फोरगट का शुरुआत का पोर्शन है, ये शुरुआत का पोर्शन जो होता है थोड़ा सा, सारा नहीं, ये एक्टोडर्मल लाइनिंग होती है। दिस ब्लैक पेन शोज द एक्टोडर्मल लाइनिंग, पूरा फोरगट नहीं है, क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल का ज्यादातर हिस्सा तो एंडोडर्मल है। ऐसे ही हाइंडगट अगर आप पढ़ते हो तो हाइंडगट को लेकर भी एक पॉइंट है कि एकदम लास्ट वाला पोर्शन भी थोड़ा एक्टोडर्मल लाइनिंग का होता है, यही पॉइंट कई लोग मिस कर जाते हैं। फिर क्या हुआ, डेवलपमेंट के दौरान ये हमारा फोरगट वाला हिस्सा जो एक्टोडर्मल लाइनिंग था, यही सर एक पाउच के फॉर्म में डेवलप होता है। फिर ये जो पाउच है यहां पर, ये धीरे धीरे डेवलपमेंटल फेज बता रहा हूं, ये हिस्सा यहां से अलग हो जाता है और अलग हो करके यही हिस्सा यहां पर आके चिपक जाता है, और चिपक करके सो दैट अपीयर्स लाइक दिस फॉर्म एडिनो जुड़ जाना। ये जो पाउच जैसा बना है इसका नाम आप याद भले ना करें बट जाने राधकेश पाउच, इसीलिए पूरी पिट्यूटरी हमारी सिर्फ एक्टोडर्मल है। हाँ ये अलग बात है कि पोस्टियर पिट्यूटरी न्यूरल ओरिजिन की है और एंटीरियर पिट्यूटरी न्यूरल ऑरिजिन नहीं है, एक्टोडर्मल।
यही जो बच्चा ध्यान से नहीं जानता तो उसको लगता ऐसा है कि एलिमेंट्री कैनाल से डिराइव हुआ है तो एंडोडर्मल होना चाहिए। तो कुछ लोग ये गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं कि हमारी पिट्यूटरी एक्टो एंडोडर्मल है, जबकि एकदम स्पष्ट इज ओनली एक्टोडर्मल। हाँ, न्यूरल और नॉन न्यूरल ऑरिजिन कहते तो हम आपको जरूर बताते। तो ये जो बाहर से बाद में जाके चिपक गया उससे एडिनो हो गया, अडहेयर हो गया है, वो एडिनो हाइपोफाइसिस। और जहां पर ये छोटा सा हिस्सा ऐसे दिखाई दे रहा होगा, ये जुड़ता हुआ, ये बीच का हिस्सा है। तो न्यूरो हाइपोफाइसिस तो दिख गया, न्यूरल ऑरिजिन है। जो एडिनो हाइपोफाइसिस है इसके दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट कहलाता है पार्स डिस्टेलिस, डिस्टल का मतलब दूर है, ये दूर वाला हिस्सा। और दूसरा पार्ट कहलाता है पार्स इंटरमीडिया, इंटरमीडिया का मतलब बीच वाला हिस्सा, ये जो बहुत नन्हा सा सकड़ा सा हिस्सा दिखाई दे रहा है। अब चूंकि मैं आपको मैन पढ़ा रहा हूं तो मैन में पार्स इंटरमीडिया बेहद रिड्यूस है, तो इसीलिए हमारे यहां पर पार्स इंटरमीडिया इसी का पार्ट मान लिया जाता है। लेकिन अगर हम अन्य कोई मैमल पढ़ा रहे होते, सो कॉल्ड रैबिट ही पढ़ा रहे होते ना, तो ये अलग होता, ये इंटरमीडिएट लोब के नाम से जाना जाता, एंटीरियर लोब, इंटरमीडिएट लोब और पोस्टीरियर लोब, इन दोनों को मिला के हम एडिनो ही कहते हैं। लेकिन वहां पर तीन लोब मिलेंगे आपको, एंटीरियर, इंटरमीडिएट और पोस्टीरियर। लेकिन चूंकि हमें मैन पढ़ना है तो मैन में तो ये एंटीरियर लोब ही कहलाएगा पूरा पूरा, इंटरमीडिएट इज हाईली रिड्यूस्ड। तो अभी एक ही पॉइंट बोला हमने, वो इसलिए इतना ज्यादा बोला कि कहीं विवाद है तो आप एक्टोडर्मल ही याद करेंगे। हाँ, इसे जरूर समझेंगे कि इसमें सिर्फ पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है वो न्यूरल ऑरिजिन की है, अदरवाइज ये नॉन न्यूरल ऑरिजिन है, ये नॉन न्यूरल है, ये एलिमेंट्री कैनाल से पार्ट डेवलप हुआ है और ये वाला पार्ट न्यूरल है, न्यूरल ऑरिजिन। ठीक, तो ये लिखने की जरूरत नहीं समझता मैं आपको, यहीं से समझना चाहिए कि हमारी पिट्यूटरी के दो पार्ट हैं, एक है एडिनो हाइपोफाइसिस, एक है न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनोफाइसिस के चूंकि मैन पढ़ा रहा हूं तो सर दो पार्ट हैं, पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया, और न्यूरो हाइपोफाइसिस एक ही पार्ट है जो न्यूरल ऑरिजिन का दिखाई देता है। क्लियर रहेगा? तो हम इंटरमीडिएट लोब शब्द का कहीं इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमारे सिलेबस में इंटरमीडिएट लोब शब्द नहीं प्रयोग करेंगे। ठीक, अब हेडिंग डालेंगे हार्मोन्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी, एक दो बातें और आपको याद होंगी, पिट्यूटरी का वजन सिर्फ 1 ग्राम होता है। कुछ लोगों को लगता है सबसे छोटी इंडोक्राइन ग्लैंड है, सर सबसे छोटी इंडोक्राइन ग्लैंड पैराथायराइड है, उससे बड़ी पीनियल ग्लैंड है 150 मिलीग्राम की, उससे बड़ी है ये पिट्यूटरी। दूसरा पॉइंट है इट इज लॉस्ड इन ए सीला टर्शिका, लगाइया अ बोनी कैविटी प्रेजेंट इन द स्फेनोइड बोन। तो ये बातें आप स्कल में कहीं पढ़ चुके हैं, इससे मैंने उसे नहीं लिखना है, हम सीधे हार्मोन पे रहेंगे 10। लेकिन इस हार्मोन को समझिएगा ऐसे कि जो यहां की सेल्स हैं, भाई यहां पे कोई सेल्स होती होंगी, अलग अलग सेल्स पार्स डिस्टेलिस में, जो हार्मोन निकालती होंगी, यहां से निकालती होंगी एंड सो ऑन, यहां से निकालती होंगी। और इन हार्मोन से कितना और कब सिक्रीशन इनका होना है, दैट इज अंडर कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमिक हार्मोन। तो हम इसी के साथ आपको हाइपोथैलेमस के भी हार्मोन पढ़ाते रहेंगे साथ में, वो भी, क्योंकि कंट्रोल तो उन्हीं की बात करनी। तो आपने हेडिंग डाली है हार्मोन्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी, लेकिन ब्रैकेट में लिखेगा पार्स डिस्टेलिस, पार्स डिस्टेलिस। तो इसमें सबसे पहला हार्मोन आता है ग्रोथ हार्मोन जीएच, इसी को हम एसटीएच भी कहते हैं, सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन। जिनको नाम ना पता हो वो फुल फॉर्म भी लिखेंगे, लेकिन धीरे धीरे आदत आप ऐसे ही डाल लीजिए, ऐसे ही लिखा जाता है, दो अल्फाबेट के बीच में डॉट नहीं लगाए जाते हैं,
और सामान्यतः अल्फाबेट हम कैपिटल यूज करते हैं। तो पहला हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन या एसटीएच। तो इन्हीं में से कोई एक सेल है जो ग्रोथ हार्मोन निकालती होगी। डिसेलिस ही तो पढ़ रहे हैं, कुछ हुआ तो ग्रोथ हार्मोन भाई इनमें कई प्रकार के से, मैं आपको सिक्स हार्मोन पढ़ाऊंगा खाली डिस्टेलिस के, तो हम उनमें से यानी छह प्रकार के सेल्स भी होनी चाहिए, तो उनमें से कोई एक विशेष प्रकार के सेल्स होती होगी जो सिर्फ ग्रोथ हार्मोन निकालती होगी, दूसरी सेल होती होगी टीएसएस निकालती होगी, तीसरी एसीटीएस निकालती होगी, अलग अलग हार्मोन के लिए अलग अलग सेल्स है। तो ये हार्मोन कब निकलना है और कितना निकलना है, दैट इज अंडर कंट्रोल ऑफ टू हाइपोथैलेमिक हार्मोन, अभी अभी आपने पढ़ा था। तो जब टू हाइपोथैलेमिक हार्मोन है तो एक का नाम होना चाहिए GHRH और एक हार्मोन का नाम होना चाहिए GHIH। कोरिलेट कर लेंगे आप, हम लंबी कहानी नहीं लिखाएंगे, सिर्फ इतना कहने चाह रहे हैं इट्स सिक्रीशन इज अंडर कंट्रोल ऑफ GHRH एंड GHIH, ये आपको जानना होगा फ्रॉम हाइपोथैलेमस, क्योंकि अब देखिए हाइपोथैलेमस के हार्मोन भी इसी में कवर हो जाएंगे। तो पॉइंट इज इट्स सिक्रीशन is under control of two hypothalamic hormones, दोनों के नाम लिख दें, GHRH जिसको आपने एक नाम दिया था सोमैटोक्राइनिन और इसको नाम दिया है सोमैटोस्टैटिन। अब ये खुद जोड़ के रखिएगा, GHRH आएगा तो ग्रोथ हार्मोन बढ़ जाएगा, GHIH आएगा तो ग्रोथ हार्मोन घट जाएगा। अब पहला स्टेप तो बड़ा आसान सा है, इसका फंक्शन जाने हम भाई, ग्रोथ हार्मोन आपकी सभी कोशिकाओं पे काम करता है एंड प्रमोट द ग्रोथ। भाई हम पैदा तो इतने बड़े हुए थे और आज देखिए इतने बड़े हो गए, तो इसके पीछे हमारा ग्रोथ हार्मोन कर रहा भी तो है, और छुटपन में तो बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। तो एक जनरल सा स्टेटमेंट है, इट एक्ट ऑन ऑल द बॉडी टिश्यू सेल एंड प्रमोट इट्स ग्रोथ। शुरू शुरू में जब हम पैदा होते हैं तो हमारे पास ग्रोथ हार्मोन थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी वो ग्रोथ हार्मोन घटता जाएगा, और ऐसा होता है एक समय बाद आपकी लंबाई बढ़ना लगभग खत्म हो जाती है, तो वो एक लिमिट तक है। भाई लड़कियों में 17-18 साल के बाद लंबाई सामान्यतः नहीं बढ़ती, और लड़कों में किसी में 21-22 साल के बाद लंबाई नहीं बढ़ती। लेकिन ये काम कैसे करते हैं, इनका सबसे पहला काम होता है कि आपके शरीर की फैट कैटाबॉलिज्म को बढ़ाते हैं। आपके शरीर में जहां जहां फैट इकट्ठा होता उसे ये तोड़ना शुरू कर देते हैं, और प्रोटीन एनाबोलिज्म कराते हैं, फैट की कैटाबोलिज्म कराते हैं और प्रोटीन एनाबोलिज्म ग्रोथ। लेकिन फैट कैटाबोलिज्म कराते हैं इसीलिए संभवतः जब आपकी लंबाई बढ़ती है तब आप में फैट एक्युमुलेट नहीं होता, यूजुअली नहीं होता है। अब उस एज में भी, चाइल्डहुड की एज में भी कभी कभी बच्चा बहुत मोटा दिखता है, उसके दो ही रीजन होते हैं, या तो जेनेटिक वजह होगी, मम्मी पापा मोटे होंगे तो उस एज में बच्चा मोटा हो जाएगा, और या फिर वो बहुत सारा ऑयली चीजें खा रहा है। लेकिन इन जनरल अगर आप देखें तो देखा यही जाता है कि ग्रोइंग चाइल्ड यूजुअली फैटी नहीं होता, सिर्फ वजह है क्योंकि वहां पर ग्रोथ हार्मोन है। और उसी बच्चे को जिसको आपने देखा बचपन में एकदम पतला सा था, वही बच्चा जब 25 साल का होता है तो धीरे धीरे फैट चढ़ने लगता है, जिसके लिए पेरेंट्स बड़ा परेशान होते हैं शुरू में कि हमारा बच्चा मोटा नहीं हो रहा है, और वही बच्चा जब 25 साल 30 साल का होता है तब ये ग्रोथ हार्मोन कम हो जाता होगा ना, तो फैट कैटाबॉलिज्म घट जाती होगी तब उनमें मोटापा चढ़ने लगता है। पॉइंट इज एक्ट ऑन ऑल बॉडी टिश्यू सेल टू प्रमोट इट्स ग्रोथ। नेक्स्ट, इट प्रमोट्स फैट कैटाबॉलिज्म एंड प्रोटीन एनाबॉलिज्म। फैट कैटाबॉलिज्म एंड प्रोटीन एनाबॉलिज्म, नेक्स्ट,
इट डिक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ एज, इट डिक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ एज। तो कोई नया पॉइंट नहीं लिखा हमने, जो आप जानते थे होंगे लगभग वही हमने लिखाया, खाली एक हिंट बताया कि कई बच्चों में ऐसा प्रश्न रहता है कि सर हम बचपन में तो बहुत पतले थे, और ये शिकायत लड़कियों की बहुत रहती है, सर शादी के पहले तो बहुत पतले थे और शादी के बाद हम बहुत मोटे हो गए। रीजन अब भी वही है, शादी के पहले आप ग्रोइंग एज में रहे होंगे, 17-18-19 साल तक आपकी ग्रोथ हुई होगी, उसके बाद जब शादी हुई आपकी 20-25-27 पे, तब ग्रोथ हार्मोन का लेवल गिर गया, मोटापा आ गया। बात सिर्फ फीमेल पे लागू नहीं हो रही, सब पे लागू होती है, सब में, जितने लोग क्लास में बैठे हो इन सब में फैट अभी चढ़ेगा, लेकिन उम्र पहुंचिए 25-30 तक फिर धीरे धीरे ये चढ़ने लगेगा। थोड़ा ध्यान ज्यादा रखोगे तो कम चढ़ेगा, और ज्यादा ध्यान नहीं रखोगे तो फिर अनलिमिटेड। भाई फैट एक्युमुलेट करने की कोई लिमिट नहीं है आपके पास। अब छोटी सी हिंट डालेगा, डिजीज रिलेटेड विद जीएच, इससे जुड़ी हुई बीमारी, डिजीज रिलेटेड विद ग्रोथ हार्मोन, तो इससे जुड़ी हुई आपके पास कुल तीन बीमारियां हैं। जब आप याद करिएगा तो तीनों बीमारियां एक साथ याद करिएगा। पहली बीमारी कहलाती है पिट्यूटरी डॉर्फिज्म, पिट्यूटरी डॉर्फिज्म। दूसरी बीमारी कहलाती है दैट इज जिजेंटिज्म, और तीसरी बीमारी कहलाती है एक्रोमिगैली। जो पिट्यूटरी डॉर्फिज्म है इसका एक नाम और है एटिलियोसिस, एटिलियोसिस, और इसी का नाम एक और है नैनिज्म। बहुत सिंपल से लाइन है, बशर्ते ये कोरिलेट कर पाए कि नैनिज्म और एटिलियोसिस जो है वो पिट्यूटरी डॉर्फिज्म है, एंड दैट शोज द डिफिशियंसी ऑफ द ग्रोथ हार्मोन इन चाइल्डहुड, बचपन में ही कम हो जाए। भाई जिस समय आपकी ज्यादा लंबाई बढ़नी थी, लगभग 70-80% लंबाई आपकी 12-13 साल तक आ जाती है, उसके बाद मुश्किल से 20-25% तक का इजाफा होता है, और जब आप 18-20 पहुंच जाते हैं तो 1-2 इंच से ज्यादा गुंजाइश रहती नहीं है, क्योंकि इस समय रफ्तार अब नहीं है, तकरीबन निल हो गई। कुछ लोग की लंबाई समझ लो जितनी है बस उतनी ही है, अब इससे ज्यादा कुछ बढ़ना नहीं, चाहे जितना उछल कूद कर लो, क्योंकि 12वीं पास करते करते बच्चा लगभग 16-17 साल का हो जाता है। तो इसलिए कह रहे हैं, तो अगर मान लीजिए बच्चा 4 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल का है और ग्रोथ हार्मोन कम हो जाए तो बच्चा डॉर्फ हो जाएगा, लेकिन ये बच्चा सिर्फ मेंटली फिजिकली डॉर्फ होगा, ये ध्यान रखिएगा, फिजिकली डॉर्फ, मेंटली इज विल बी नॉर्मल। क्योंकि अगर आप इसे पढ़ेंगे तो क्रिटिनिज्म आपको याद आना चाहिए, अगर नहीं याद आया तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। वहां पे हम मेंटल एंड फिजिकल डेवलपमेंट दोनों रोक देते थे, सर इस वाले बच्चे को हम लोग नाम देते हैं मिड गेट, इसको बोलते बोलते लोग नाम बदल देते हैं, मिड गट कर देते हैं, तो इसका ध्यान रखिएगा, ऐसी कोई गंदी गलती मत करें। ये भी बौना है और क्रिटिन भी बौना था, लेकिन ये बौना वो सारे काम कर सकता है जो आप करते हो, बशर्ते उसकी हाइट आड़े नहीं आनी चाहिए, मींस पढ़ाई लिखाई या सब कुछ कर सकता है, जहां लंबाई की बात आएगी बस वहां वो पीछे हट जाएगा। तो लोग सवाल पूछते हैं सर्कस में कौन सा बौना काम करता है, मिडगेट। तो पहला नाम ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन चाइल्डहुड, इन चाइल्डहुड। नेक्स्ट, चाइल्ड रिमेन्स डॉर्फ, चाइल्ड रिमेन्स डॉर्फ बट मेंटली नॉर्मल, दिमाग से कमजोर नहीं है बट मेंटली नॉर्मल, नेम्ड एज मिड गेट है।
दूसरी बीमारी जिजेंटिज्म। जिजेंटिज्म का मतलब होता है भीम काय, काय का मतलब शरीर और भीम का मतलब तो आप जानते ही होंगे, लंबा चौड़ा बिल्कुल। तो बस इसी का रिवर्स करना है आपको, इंक्रीज्ड ग्रोथ हार्मोन इन चाइल्ड, जरूरत से ज्यादा, बहुत ज्यादा। अब ये सामान्यतः होता कैसे होगा, तो सामान्यतः मान लीजिए इस कोशिका से जिससे ग्रोथ हार्मोन निकलना है उसी कोशिका का आपको ट्यूमर हो जाए, मतलब तो कैंसर हो जाए। तो अगर इस कोशिका का कैंसर हो जाए तो ऑब्वियस सिक्रीशन कुछ तो बढ़ जाएगा। तो यही बात है, वजह कुछ भी हो उस पर नहीं जा रहे हम लोग, खाली हम बीमारी को समझ रहे हैं। अगर बचपन में ऐसा हो जाएगा तो बच्चा बहुत लंबा होगा, और थोड़ा बहुत लंबा नहीं, मोर देन 7 फिट, 6-6.5 फिट वाला हिस्सा बस हाइट बड़ी है, 7.5 फिट, 8 फिट, क्योंकि हिंदुस्तान में 6 फिट थोड़ा कॉमन है, लेकिन कई देश हैं जहां 6 फिट से भी ज्यादा लोग पाए जाते हैं। तो ये मोर देन 7 फिट का चला जाता है, तो आपको ऐसे देखना पड़ेगा, यूं ये वाली स्टोरी है। तो पॉइंट इज ड्यू टू इंक्रीज्ड ग्रोथ हार्मोन इन चाइल्ड, नेक्स्ट, हाइट ऑफ पर्सन बिकम्स मोर देन 7 फिट, नेक्स्ट है एक्रोमेगैली। एक्रोमेगैली का मतलब होता है इनलार्ज कर जाना। तो सर ये भी वही है जो यहां पढ़ा आपने, ग्रोथ हार्मोन बढ़ जाता है, लेकिन कब सर? एडल्ट में। एडल्ट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एडल्ट में लगभग ग्रोथ पूरी हो गई और अचानक आप में ग्रोथ हार्मोन का लेवल बढ़ने लगा। तो जब अचानक आप में बढ़ने लगता है तो जिजेंटिज्म में तो यहां भी होगी, लेकिन अब इक्वल हर साइज नहीं बढ़ेगा। जैसे बचपन से ही हम लंबे होते और लंबे 6.5 फिट के होते तो हमारी टांगे भी उसी हिसाब से लंबी होती, अंगुलियां भी उसी हिसाब से लंबी होती, हाथ शोल्डर सब चीजें लंबी होती। ऐसा थोड़ी ना होता तो टांगे इतनी रखें और अपनी हाइट को हम 8 फिट की कल्पना करें तो देखने में अजीब सा लगेगा। कोई बच्चा अगर मान लीजिए 5 फिट का होगा तो वो बच्चे में सारी चीजें हमसे थोड़ी छोटी होंगी। सबसे आसानी से आप अंगुलियों को ऐसे मिलाइए तो आप महसूस करेंगे जो लंबा बच्चा होगा उसकी अंगुलियां एक एक अंगुली बड़ी होगी, लेकिन ये अंगुलियां जो हमारी है हमारी हाइट के प्रोपोर्शन में, जो बच्चा छोड़ा नाटा होगा तो उसकी हाइट के हिसाब से उसकी अंगुलियां छोटी भी होंगी। हमारे जूतों की नाप बड़ी होगी और आप अगर छोटे होंगे आपकी हाइट तो जूतों की नाप छोटी होगी आपकी। तो ये अगर एडल्ट फेज में जब कभी ग्रोथ हार्मोन बढ़ता है तो हमारी पूरी बॉडी का प्रोपोर्शन एक साथ नहीं बढ़ता, हमारे शरीर के कुछ हिस्सों में हड्डियां तेजी से बढ़ जाती हैं, खासकर फेस में। अब फेस में भी जबड़े वाले हिस्से की हड्डियां बढ़ जाती हैं। अब आप सोचिए पूरा शरीर का चेहरा ऐसे ही रहे, खाली जबड़े की हड्डियां बढ़ जाए तो जबड़ा यहां पर थोड़ा आगे निकल आएगा, आगे निकला हुआ रहेगा, सर गोरिल्ला जैसा दिखाई देगा आप। तो यही इसका फीचर है, गोरिल्ला लाइक अपीयरेंस। जब आप इसे याद करिएगा तो कशिंग डिजीज जरूर याद करिएगा, इतने तो फिर फायदा नहीं होगा। वहां हम लोग कहते थे रेड मून फेस एंड बफेलो हम्प, यहां पे कहते हैं गोरिल्ला लाइक अपीयरेंस, सिर्फ इसलिए कि एक्रोमेगैली में ये काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है। तो अभी तो हमारा फेस ऑर्थोगनेथस है, जब ये जबड़ा बाहर निकल आएगा तो उसे कहेंगे प्रोगनेथस। गोरिल्ला या एप का हमेशा चेहरा आगे निकला होता है, तो लाइक दैट। ऐसे जो डायग्नोसिस होती है एक्रोमेगैली की वो जल्दी हो नहीं पाती है, वो काफी लेट में होती, क्योंकि जब जिनमें ग्रोथ हार्मोन बढ़ने शुरू होने लगते हैं जब तक डिफॉर्मिटी नहीं आ जाती है तब तक नहीं पता चलता है, क्योंकि इसी चेहरे को हम रोज देखते हैं तो कोई खास परिवर्तन नहीं आता है। जब कई दिनों बाद कोई अचानक मिलता है तो उसको लगता है तुम्हारा चेहरा थोड़ा बदला हुआ सा लग रहा है, और तब जब एग्जामिनेशन आप ध्यान से करते हैं तब ऐसी दिक्कतें आती हैं। इसका कोई इलाज हमारे पास होता नहीं क्योंकि डिफॉर्मिटी आ चुकी होती है, इसलिए अक्सर ऐसे लोगों की मृत्यु समय से जल्दी हो जाती है। पॉइंट इज
ड्यू टू इंक्रीज द ग्रोथ हार्मोन, ड्यू टू इंक्रीज द ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट, इन एडल्ट। नेक्स्ट शोज इनलार्जमेंट ऑफ एक्सट्रीमिटीज, उंगलियां उंगलियां बड़ी हो जाती, इनलार्जमेंट ऑफ एक्सट्रीमिटीज स्पेशली फेशियल रीजन, स्पेशली फेशियल रीजन विच गिव्स गोरिल्ला लाइक अपियरेंस, विच गिव्स गोरिल्ला लाइक अपियरेंस। नेक्स्ट कैन नॉट बी डिटेक्टेड इन अर्ली एज, कैन नॉट बी डिटेक्टेड इन अर्ली एज विच मे लीड टू, विच मे लीड टू प्रीमैच्योर डेथ। अर्ली डेथ को ही मैं प्री मेच्योर लिखा दे रहा हूं क्योंकि डेथ में कोई मेच्योरिटी का रिश्ता नहीं है। ऐसा नहीं होता कि मृत्यु हमेशा मेच्योर होने के बाद आती है, जो समय पर ईश्वर ने लिखी होगी आपके। हम लोग मानते हैं 70 साल जिए तो आदमी 40 साल पे डेथ हो जाए, 35 साल पे हो जाए, 55 साल पे हो जाए, उससे रिलेटेड। लेकिन डिजीज के साथ ये एश्योर रहिए, जब आप याद करिए तो सब एक साथ याद करिए, हार्मोन जब याद करिए तो एक साथ नाम याद करिए। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप इस चैप्टर में कुछ कर नहीं पाओगे, पूछा कुछ जाएगा बता कुछ और आओगे। क्योंकि एग्जाम में जब लिखता है बच्चा हाइपोसिक्रीशन ऑफ दिस, हाइपरसिक्रीशन ऑफ दिस, तो कंफ्यूजन बहुत होता है। तो अभी तो आपने एक हार्मोन पढ़ा है ग्रोथ हार्मोन, नंबर टू दूसरा हार्मोन सेकेंड हार्मोन है टीएसएच। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, आप चाहें तो इसको टीटीएच भी कह सकते हैं, थायरोट्रॉफिक हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या थायरोट्रॉफिक हार्मोन। तो सर इसका सिक्रीशन कब होगा और कितना होगा, दैट इज अंडर कंट्रोल ऑफ ए हाइपोथैलेमिक सिंगल हार्मोन। यहां पर इनहिबिटरी फैक्टर नहीं है, यानी इट्स सिक्रीशन इज अंडर कंट्रोल ऑफ ए सिंगल हाइपोथैलेमिक हार्मोन दैट इज टीएसएच आरएच। तो आप देखिए दूसरा पिट्यूटरी का हार्मोन पढ़ रहे हैं और हाइपोथैलेमस के तीन हार्मोन पढ़ चुके, समझ पा रहे हैं इनका पॉइंट जान ले क्या है, और जो है वो आप जानते होंगे। बट टीएसएच का काम क्या होता होगा, इट स्टिमुलेट्स थायरॉइड टू सिक्रीट थायरॉइड। जी खत्म, थायरॉइड तो आपने पढ़ रखा है। तो थायराइड अगर आप जानते हैं तो खाली इनका काम ट्रॉफिक हार्मोन ही तो है, ये जाकर के किसी अन्य इंडोक्राइन ग्लैंड पर एक्शन करेंगे और उसके सिक्रीशन को रेगुलेट करेंगे। तो पहले तो ये पॉइंट लिखेगा अंडर कंट्रोल ऑफ टीएसएचआरएच, अंडर कंट्रोल ऑफ टीएसएचआरएच। नेक्स्ट फंक्शन है इसका एक्ट ऑन थायरॉइड ग्लैंड, एक्ट ऑन थायरॉइड ग्लैंड टू रेगुलेट सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन, टू रेगुलेट सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन। तीसरा हार्मोन ACTH, that is adenocorticotrophic hormone, adenocorticotrophic hormone। वैसे इसका एक और नाम है जो लोग इस्तेमाल बहुत कम करते हैं, C, सिर्फ कहते हैं corticotrophic। वो ACTH की इतनी आदत पड़ी हुई है कि C लोग बोलते नहीं, corticotrophic।
और इसका सिक्रीशन जो है वो फिर सिर्फ एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है ACTH RH। बिल्कुल वैसे ही समझेंगे, ACTH RH आएगा तो ACTH स्टिमुलेट हो जाएगा, नहीं आएगा तो नहीं स्टिमुलेट होगा, कम आएगा तो कम स्टिमुलेट होगा। और इनका फंक्शन भी बहुत आसान है, ये किस पर एक्शन करते होंगे, एडनल कॉर्टेक्स पे, नाम ऐसा ही तो रखा। इनसे दो हार्मोन निकलते हैं, एक कहलाता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड, याद होगा आपको, एक कहलाता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, वैसे तो एक और होता है सेक्स स्टेरॉइड। तो ACTH एडनल कॉर्टेक्स पर एक्शन करता है और इन पर सिक्रीशन को रेगुलेट करता है, बट ये स्पेशली सिर्फ इसके सिक्रीशन को प्रभावित करता है, क्योंकि इसका सिक्रीशन अंडर कंट्रोल ऑफ, बहुत पुरानी बात है, रेनिन, याद होगा अगर आपको। खाली नाम से मत चौंकिए कि सर इट एक्ट ऑन एडनल कॉर्टेक्स टू रेगुलेट द सिक्रीशन ऑफ एडनल कॉर्टेक्स, नहीं, इट एक्ट ऑन एडनल कॉर्टेक्स एंड रेगुलेट द सिक्रीशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, क्योंकि मिनरलोकॉर्टिकॉइड का इस पर कोई कंट्रोल नहीं होता, वो अलग बात है कि वो भी कॉर्टेक्स का ही हार्मोन है, लेकिन उससे कोई प्रभाव नहीं डालता। तो पहली लाइन, अंडर रेगुलेशन ऑफ ACTH RH, फंक्शन इसका एक्ट ऑन एडनल कॉर्टेक्स एंड रेगुलेट्स सिक्रीशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, सिक्रीशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, जिसका एग्जाम्पल आपने कॉर्टिसोल पढ़ा था, चौथा हार्मोन, दैट इज FSH, बहुत पॉपुलर हार्मोन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसी का एक दूसरा नाम भी है TRH, टिब्यूल राइपनिंग हार्मोन, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TRH कहें टिब्यूल राइपनिंग हार्मोन, ये हार्मोन एक ही है। ये जो दो दो नाम आप लिखते हुए चल रहे हैं इसको लेकर डरिए नहीं, दोनों में से जो पसंद हो वो कह दीजिए, ऐसा नहीं कि सर हम इसमें ऐसा कहेंगे। सर ये इसका जो सिक्रीशन है इज अंडर कंट्रोल ऑफ ए सिंगल हाइपोथैलेमिक हार्मोन FSH RH, या अगर इनकी भाषा में कहना चाहते हैं तो नाम दीजिए TRH RH, जो कहना चाहें कह दीजिए। लेकिन इसका फंक्शन कैसे है, इसका फंक्शन मेल और फीमेल में अलग अलग है। अब आपको ये बात आपको पहले से गोनेट की पता होनी चाहिए। फीमेल में अगर बात करें तो इट एक्ट ऑन ओवरी, और ओवरी में कोई फॉलिकल आपने पढ़ा होगा, फॉलिकुलर ग्रोथ, जिसका नतीजा होता है ग्रेफियन फॉलिकल। तो ये हमारी ओवरी पर एक्शन करता है, स्टिमुलेट फॉलिकुलर सेल्स टू फॉर्म द मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल। और अगर मेल की बात करें तो मेल में हम नाम आसानी से देख ही पाते हैं, टिब्यूल, सेमिनिफेरस टिब्यूल पर एक्शन करता है, सेमिनिफेरस टिब्यूल पर एक्शन करेगा तो दैट विल प्रमोट द गैमेट टू जेनेसिस, क्योंकि स्पर्म का फॉर्मेशन तो यहीं से होता है। और आप ध्यान दें तो सर ये भी गैमेटोजेनेसिस ही है, यहां पर भी अंडे का विकास ही तो हो रहा है, कभी ध्यान होगा तो सर मियोसिस भी यही की थी आपने, अब नहीं याद है तो हम बहुत मदद तो नहीं कर पाएंगे। लेकिन फीमेल और मेल को लेकर बात करें तो फीमेल में ओवरी और मेल में गोनेड में टेस्टिस, लेकिन फीमेल में ओवरियन फॉलिकल का ग्रोथ कराता है यानी ऊजेनेसिस को बढ़ाता है, मेल में भी वो सेमिनिफेरस टिब्यूल पे काम करता है और गैमेटोजेनेसिस। इसका मतलब समरी में कहा जाए ये ऐसा हार्मोन है जो गैमेट का डेवलपमेंट कराता है, गैमेट का डेवलपमेंट। तो लोग इसको हार्मोन को नाम भी देते हैं गैमेटोकाइनेटिक फैक्टर, काइनेटिक का मतलब मूवमेंट,
लेकिन मूवमेंट फिजियोलॉजिकल की बात नहीं कर रहे हैं, हम डेवलपमेंटल मूवमेंट की बात कर रहे हैं। ये डेवलपमेंटल मूवमेंट कराता है, एक स्टेज से अगली स्टेज में ले जाता है। पॉइंटर्स अंडर कंट्रोल ऑफ FSH RH, ये हाइपोथैलेमस वाले हार्मोन लिख रहे थे, अंडर कंट्रोल ऑफ FSH RH नेक्स्ट इन फीमेल इट एक्ट ऑन ओवरी, इन फीमेल इट एक्ट ऑन ओवरी and stimulates growth of follicle, stimulates growth of follicle, ब्रैकेट में लिखिएगा oogenesis, oogenesis, सब मेल में, इन मेल इट एक्ट ऑन टेस्टिस, इट एक्ट ऑन टेस्टिस एंड स्टिमुलेट एंड स्टिमुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल अब दोनों पॉइंट को अगर एक साथ समराइज किया जाए तो हम गैमेटोकाइनेटिक कह सकते हैं। पॉइंटर्स नेम्ड एज गैमेटोकाइनेटिक फैक्टर, नेम्ड एज गैमेटोकाइनेटिक फैक्टर तो देखिए हमने आपको चार पिट्यूटरी के एंटीरियर पिट्यूटरी के डिस्टैलिस से निकलने वाले हार्मोन बता दिए, लेकिन साथ में पांच हाइपोथैलेमस भी पढ़ा दिए, दो यहां पढ़ाए और सब में एक। सर अगला हार्मोन है हमारा LH, जिसको नाम देते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसी का एक दूसरा नाम है ICSH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहें या कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सर फिर यही बात कि सर दोनों एक ही हार्मोन है, खाली नाम अलग अलग दे रहे हैं, इनका सिक्रीशन कब और कितना होना है अंडर कंट्रोल ऑफ LHRH, या फिर आप दूसरा नाम भी दे सकते हो उस रेफरेंस में ICSH RH। लेकिन अगर आप इसको फीमेल में देखें यही हार्मोन, तो इस हार्मोन के दो काम थे। एक काम तो बड़ा पॉपुलर है ओवल्यूशन, जो मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल है उसका ओवल्यूशन कराता है, और दूसरा काम है फॉर्मेशन एंड मेंटेनेंस, बनाता है और बनाए रखता है ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, जो बचा हुआ हिस्सा था जो ओवल्यूशन के बाद बच जाता था, पुरानी बात है काफी, तो बचा हुआ हिस्से को ओवरी में कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट कर देता था, उसे बनाना और उसे बनाए रखना ल्यूटियम, वहीं से लिया गया है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। लेकिन अगर मेल में आप बात करें तो मेल में तो फंक्शन बड़ा स्पष्ट है, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका मतलब ये सेल्स ऑफ लेडिक को स्टिमुलेट करता होगा, इसी का नाम तो था, सेल्स ऑफ लेडिक को ही कहा करते हैं इंटरस्टिशियल सेल, और इसी से स्टिमुलेट करता था कि ज्यादा से ज्यादा टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट हो, एंड्रोजन जो हार्मोन निकलता है मेल टेस्टिस से वो है टेस्टोस्टेरोन एग्जांपल, तो वो यहां से निकलता। तो यहां पर हम लोग कह रहे हैं सर फीमेल में ओवल्यूशन कराना, कॉर्पस ल्यूटियम बनाना और उसे बनाए रखना, लेकिन मेल में इट एक्ट ऑन द टेस्टिस, इंटरस्टिशियल सेल जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में हिस्सा था, एंड दैट स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजेंस। पॉइंटर्स अंडर कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस वाला पहले नाम LHRH या ICSH RH,
यस, इन फीमेल इट कॉजेज ओवल्यूशन, इन फीमेल इट कॉजेज ओवल्यूशन, एंड फॉर्मेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, फॉर्मेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, नेक्स्ट इन मेल इट स्टिमुलेट्स इंटरस्टिशियल सेल, याद हो तो सेल्स ऑफ लेडिग लिख सकते हैं, इट स्टिमुलेट्स इंटरस्टिशियल सेल यानी सेल्स ऑफ लेडिग टू सिक्रीट टेस्टोस्टेरोन, टू सिक्रीट टेस्टोस्टेरोन। तो अगर इन दोनों हार्मोन को आप देखें, FSH को और LH को, सर ये दोनों हार्मोन देखें तो कुल मिला के गोनेट पे ही काम कर रहे हैं। फीमेल में देखिए तब भी गोनेट पे, मेल में भी गोनेट पे, यहां भी आप ओवल्यूशन और कॉर्पस ल्यूटियम का जो जिक्र कर रहे हैं वो भी फीमेल ओवरी में है और सेल्स ऑफ लेडिग यानी टेस्टिस में है, इसलिए इन दोनों को कलेक्टिवली नाम दिया जाता है गोनेडोट्रोफिन्स। शॉर्ट में इसको हम कहते हैं कैपिटल जी और स्मॉल एन। इसलिए जो इनके रिलीजिंग हार्मोन्स हैं इनको जब हम एक साथ नाम देते हैं तो कहते हैं इनका सिक्रीशन अंडर कंट्रोल ऑफ GnRH। गोनेडोट्रोपिन का मतलब वो ट्रॉफिक हार्मोन जो गोनेट पे काम करते हैं, और गोनेट पे काम करने वाले यही दो हार्मोन है, अभी तक तो कोई नहीं पढ़ा आपने गोनेट पे, तो इनको रेगुलेट करने वाले जो हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स हैं उनको कलेक्टिवली हम GnRH कहते हैं। तो नोट लिखेगा FSH एंड LH, एक ही नाम लिख रहे हैं, दोनों नहीं लिख रहे हैं, FSH एंड LH आर कलेक्टिवली नेम्ड एज गोनेडोट्रोफिन। शॉर्ट में जरूर लिख दीजिएगा, नहीं तो अक्सर जब ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, क्योंकि एन इसमें स्मॉल लेटर में होता है, जी कैपिटल लेटर में। तो सर पांच हार्मोन हो गए हमारे पास, डिस्टेलिस ही पढ़ रहे हैं आप। अगला हार्मोन है छठा हार्मोन PRL। PRL फुल फॉर्म है इसका प्रोलैक्टिन, इसी का दूसरा नाम LTH ल्यूटियोट्रॉफिक हार्मोन। कंफ्यूज मत होइएगा, LH अलग था और LTH अलग था, ये ल्यूटियोट्रॉफिक हार्मोन है। और इसी का एक तीसरा नाम भी है मैमोट्रॉफिक हार्मोन MTH। तो तीन नाम है इसके, प्रोलैक्टिन PRL, LTH ल्यूटियोट्रॉफिक हार्मोन, MTH दैट इज अ मैमोट्रॉफिक हार्मोन। एक नाम इसका और है हार्मोन ऑफ मैटरनिटी, हार्मोन ऑफ मैटरनिटी, ये मातृत्व का हार्मोन कहलाता है। ये नाम इसलिए देख दिया गया क्योंकि देखा गया ये जो छह हार्मोन आप पढ़ रहे हैं छह के छह मेल फीमेल दोनों में है। ऐसा नहीं कह रहा मैंने, किसी हार्मोन को नहीं कहा कि सर मेल में या फीमेल में, तो ये भी हार्मोन मेल में भी है, लेकिन मेल में इस हार्मोन का फंक्शन क्या है ये आज तक पता ही नहीं है, क्योंकि हम जो फंक्शन इस हार्मोन में बताएंगे अभी आप महसूस करेंगे सब फीमेल के फंक्शन है। जैसे PRL के बारे में जान लें, दूध का फॉर्मेशन करना, तो जाहिर बात है फीमेल फंक्शन हुआ।
एमटीएच लिखा है मैमोट्रॉफिक हार्मोन, तो मेमरी ग्लैंड का डेवलपमेंट कराना प्रेगनेंसी के दौरान, ताकि मां बनने के बाद जब उसको दूध फॉर्मेशन की जरूरत हो तो उसके अंदर हो सके। एलटीएच ल्यूटियोट्रॉफिक हार्मोन, तो जो कॉर्पस ल्यूटियम बनता है उसे बनाए रखे रहे, वो तो एलएच का काम है, लेकिन बनने के दौरान, बनने के बाद वो प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता रहे, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन अगर नहीं आएगा तो प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं कर सकती है। तो ये तीन फंक्शन, दूध का बनना, कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन लगातार निकलता रहे, और मेमरी ग्लैंड का डेवलपमेंट, ये तीनों फंक्शन फीमेल का ही तो है, मेल में तो कोई फंक्शन नहीं है। एक और बात आती है जो देखा जाता है, कोई लड़की जब मां बनती है तो उसका बच्चे के प्रति एक बहुत स्ट्रांग बॉन्डिंग हो जाती है, एक बहुत स्ट्रांग इमोशनल अटैचमेंट होता है, तो उसके पीछे संभवतः इसी हार्मोन का इमोशनल डेवलपमेंट है। प्रेगनेंसी से पहले कोई फंक्शन फीमेल में भी नहीं दिखता है। भाई जो तीनों फंक्शन हम आपको बता रहे हैं, ये भी तब होगा ना जब मां बनेगी लड़की, तो एक लड़की और मां में बहुत अंतर होता है, इमोशनली बहुत अंतर होता है। तो दैट इज हार्मोन ऑफ मैटरनिटी। लोग कहते हैं फादर में ऐसा कोई हार्मोन फंक्शन करता नहीं है, इससे फादर ऑफ पैटर्निटी नहीं दिखता है। वो इमोशनल बॉन्डिंग जो है मां और बेटे की जो होती है या बच्चे की होती है, वो फादर की नहीं होती। ये अलग बात है, फादर मां से कम नहीं होता, लेकिन फिर भी लोग मां की तारीफ ज्यादा करते हैं। तो इसमें सर, इसको रेगुलेट करने के लिए कि सर कितना होगा और कब निकलेगा, दैट इज अंडर कंट्रोल ऑफ पीआरएल आरएच। अब फिर आ रहा है पीआरएल आईएफ। बहुत देर बाद हम दोनों हार्मोन की बात कर रहे हैं, यहां किया था अब यहां पर। आईएच लिखें या आईएफ लिखें, बहुत बड़ा इशू नहीं है। पॉइंट, सिक्रीशन इज अंडर कंट्रोल ऑफ टू हाइपोथैलेमिक हार्मोन। अभी तक बीच में सब आप वन ही वन पढ़ रहे थे, दोनों के नाम लिख दें, पीआरएल आरएच एंड पीआरएल आईएच। पीआरएल आरएच एंड पीआरएल आईएच। अब इनके फंक्शन में देखें, तो हम फंक्शन इधर से लिखा रहे हैं, पहले इस फंक्शन लिखा है, उससे पहले हम आपको स्पष्ट कर दें कि दिस हार्मोन इज प्रेजेंट इन मेल एंड फीमेल बोथ। क्योंकि जैसे आप लिखोगे तुरंत लगेगा सर पुरुषों में कोई फंक्शन नहीं बता रहे हो आप, मेल में इसका फंक्शन ज्ञात नहीं है, लेकिन लोगों का मानना यह है कि अगर ये हार्मोन पुरुषों में कम हो जाए तो सर हो ना हो इंपोर्टेंट हो जाएगा, वो नपुंसक हो जाएगा, लेकिन बहुत बड़ा साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए आपके टेक्स्ट बुक में वो मैटर नहीं रहता। तो पॉइंट इज, इट इज प्रेजेंट इन बोथ मेल एंड फीमेल। इट इज प्रेजेंट इन बोथ मेल एंड फीमेल बट फंक्शन इज वेल नोन बट फंक्शन इज वेल नोन ओनली इन फीमेल ओनली इन फीमेल। अब तीनों फंक्शन लिख देंगे, डेवलप्स मेमरी ग्लैंड मैमोट्रॉफिक, उसी से नाम लिया गया, मैमो का मतलब मेमरी ग्लैंड, ट्रॉफिक का मतलब नरिशमेंट। नेक्स्ट है एलटीएच के हिसाब से फंक्शन लिखा रहे हैं, मेंटेन्स सिक्रेटरी फंक्शन, सिक्रेटरी फंक्शन का मतलब प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीशन, मेंटेन्स सिक्रेटरी फंक्शन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। कंफ्यूज मत होगा एग्जाम में, मेंटेन सिक्रेटरी फंक्शन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, अगर सवाल आएगा नेम द हार्मोन विच मेंटेन्स कॉर्पस ल्यूटियम एलएच, और विच मेंटेन सिक्रेटरी फंक्शन यानी उससे जो प्रोजेस्टेरॉन निकलता है वो निकलता रहे, तो आंसर होगा एलटीएच। नेक्स्ट पीआरएल के हिसाब से दूध, फॉर्मेशन ऑफ मिल्क तो तीनों फंक्शन दिख गए, ये नहीं लिख रहे हैं हम, हार्मोन ऑफ मैटरनिटी इमोशनल अटैचमेंट शो हो जाएगा।
तो हमारे छह हार्मोन हो गए। ये छह के छह हार्मोन आपने हेडिंग में लिखा था पार्स डिस्टालिस की अभी, लेकिन हम तो हेडिंग डाल रहे थे हार्मोन्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी, तो मुझे पूरा चाहिए था, तो सिर्फ डिस्टालिस ही क्यों पढ़े, हमें ये भी तो पढ़ना चाहिए। तो फिर से हेडिंग डालिए हार्मोन्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी, लेकिन ब्रैकेट में लिखिएगा पार्स इंटरमीडिया। पार्स इंटरमीडिया यानी जो सिक्स हार्मोन आपने पढ़े ये सारे के सारे हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी के थे, लेकिन सिर्फ डिस्टालिस वाले रीजन के थे। अब जो पढ़ने जा रहे हैं वो भी है एंटीरियर पिट्यूटरी का ही, क्योंकि हमारे यहां तो एंटीरियर पिट्यूटरी इंटरमीडिएट है ही नहीं, तो ये इसका है। इनसे सिर्फ एक हार्मोन निकलता, हम तो नंबर सेवन डालेंगे क्योंकि हम तो एंटीरियर पिट्यूटरी की बात कर रहे थे, तो नंबर सेवन में हार्मोन का नाम है MSH, पूरा नाम है इसका मिलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वैसे इसका पुराना नाम है, अब इस्तेमाल नहीं होता, इंटरमिडिन, इंटरमिडिन ये पुराना नाम है, क्योंकि इंटरमीडिएट यानी इंटरमीडिया से निकला करता था, इसलिए हम लोग इसे इंटरमिडिन कहते हैं। अब ये हार्मोन कब निकलेगा या कितना निकलेगा उससे पहले जान लें, सर इट्स ए वेस्टिजियल हार्मोन इन द मैन, हमारे में इस हार्मोन का कोई रोल नहीं है। हम आपको जो फंक्शन पढ़ाएंगे भी उसको भी आप बहुत ज्यादा तूल मत दीजिएगा, जो फंक्शन है वो फिशेस वगैरह में बहुत अच्छा डेवलप है, एम्फीबिया में है, इवन रेप्टाइल में भी है, लेकिन चूंकि हमें ये पढ़ाना, हमारे यहाँ बेहद रिड्यूस है, ये इतना रिड्यूस होता है खाली शामिल करने के लिए आपको पढ़ाया जा रहा है दिस, तो आपने यही तो कहा होगा ऐसा कोई स्ट्रक्चर जो स्ट्रक्चरली और फंक्शन रिड्यूस हो जाए तो वही का नाम वेस्टिजियल। तो हमारे में स्ट्रक्चरली भी रिड्यूस हुआ और एमएसएस का सिक्रीशन एकदम निल है लगभग, लेकिन अगर हम पढ़ाएंगे नहीं तो हमारा हार्मोन रह जाएगा ये, तो हम फंक्शन तो पढ़ा देंगे कि मैन में पहले ही लिखे दे रहे हैं, तो इंटरमीडिन इसका नाम है, उसी के आगे लिख दें वेस्टिजियल हार्मोन इन द मैन, वेस्टिजियल हार्मोन इन मैन। तो इसके सिक्रीशन को दो हाइपोथैलेमिक हार्मोन रेगुलेट करते हैं, एक का नाम है एमएसएच आरएच और दूसरे का नाम है एमएसएच आईएच। दो हार्मोन रेगुलेट करते हैं एमएसएच, जैसे कई जगह कर रहे थे, आपने यहां भी कराया, ग्रोथ हार्मोन में भी कराया, यहां भी। सो इनका सिर्फ एक काम आप समझ लें, स्किन में एक सेल होती है उसको नाम देते हैं मिलानोसाइट, एक ऐसी कोशिका जिसके पास मिलानिन नाम का पिगमेंट होता है, तो ये जो मिलानिन नाम का पिगमेंट है उस पिगमेंट को बिखरा देती है, ऐसे फैला देती है, और अगर कोई डार्क सा पिगमेंट फैला दिया जाए तो अपीयरेंस डार्क हो जाएगा, तो रिस्पॉन्सिबल फॉर डार्क कलर ऑफ स्किन। अब ऑफ योर स्किन कह देते हैं तो बच्चा अपना हाथ देखने लगता, सोता हम इसी वजह से आप में वेस्टिजियल है, लेकिन जहां भी आप अन्य जानवर देखें स्किन कलर तो हर जगह पर है ना, तो हर जगह पर जहां पर इन जनरल बात हम कर रहे हैं ये दिस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डार्क कलर ऑफ स्किन पॉइंटर्स रेगुलेटेड बाई एमएसएच आरएच एंड एमएसएच आईएच, दो हाइपोथैलेमिक हार्मोन है। नेक्स्ट एक्ट ऑन मिलानोसाइट एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर डार्क कलर ऑफ स्किन। इतना डर के फेयर एंड लवली काम नहीं करती। तो सर हमारे पास सात हार्मोन हो गए पिट्यूटरी के और आपको पता नहीं चला हमने 10 हाइपोथैलेमस भी पढ़ा दिए, हर जगह रिलीजिंग हार्मोन पढ़ाया, 3 जगह इनहिबिटरी भी पढ़ाया, ग्रोथ हार्मोन, एमएसएच और पीआरएल, तो 7 और 3 10 हो गए, 17 हार्मोन पढ़ा दिए। तो वो हाइपोथैलेमस में इसलिए नहीं पढ़ाया था कि वहां पढ़ा के कोई फायदा नहीं होता,
ये जो 17-10 आपने हाइपोथैलेमिक हार्मोन पढ़े उसी की मैकेनिज्म आपने पढ़ी है, वो सभी हार्मोन ऐसे आते होंगे या एमएसएच वाला इधर जाता होगा? इट्स ओके, अब हम डालिए हार्मोन्स ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बारे में हम लोग कह रहे थे कि ये केमिकल कंट्रोल में नहीं हाइपोथैलेमस के, न्यूरल कंट्रोल में है। तो यहां पर कोई रिलीजिंग हार्मोन की उम्मीद मत करिएगा भाई, केमिकल कंट्रोल में होता तब तो हाइपोथैलेमस अपना हार्मोन भेजता पोस्टीरियर लोब के पिट्यूटरी के हार्मोन को रेगुलेट करता। बट सच्ची बात यह है कि पोस्टीरियर लोब के पिट्यूटरी के जो हार्मोन हम पढ़ने जा रहे हैं ये वास्तव में हाइपोथैलेमस में ही सिंथेसाइज होते हैं और यही लिखा है आपने। तो हम यहां पर पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन पढ़ाएंगे, दो हार्मोन है। तो पहला नाम है ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन को हम लोगों ने अब तक दो फंक्शन पढ़े होंगे, कहीं भी आया होगा। एक तो नाम आया होगा चाइल्ड बर्थ के रेफरेंस में, जब बच्चे का जन्म होने वाला था, पॉजिटिव फीडबैक में भी पढ़ा था। तो सर ऑक्सीटोसिन का लेवल आकर के वो यूट्रस के अंदर जो मसल्स होते हैं उसको कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्शन का फायदा होता है बच्चा जो है वो नीचे की तरफ सरकता है, यानी हेल्प इन द चाइल्ड बर्थ। फिर दूसरा पॉइंट आपने जब मिल्क के बारे में पढ़ा होगा तब रहा होगा, ये जो हमारी ब्रेस्ट होती है ब्रेस्ट के मसल्स में बहुत स्क्वीजिंग करता है, स्ट्रॉन्ग सा कॉन्ट्रैक्शन करता है, तो इसके अंदर जो ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं उसके अंदर से जो मिल्क बना बनाया मिल्क है वो आगे प्रोपेल हो जाता है। तो हम लोग ऐसे हम सिक्रीशन नहीं लिखाना चाहते इसीलिए इस तरह की भाषा कर रहे हैं, क्योंकि सिक्रीशन में ये नहीं करना पड़ता, तो स्क्वीज लिखाते हैं, निचोड़ना या इजेक्शन लिखाना चाहते हैं। तो कहते हैं मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन है। तो इसलिए इस भाषा को आप ऑड मत लें सर, ये यही है, इजेक्शन का मतलब कोई चीज भरी पड़ी है और हमने प्रेस किया तो वो बाहर निकल आई। तो जितना बना बनाया दूध होगा पीएल के द्वारा वो इसको इजेक्ट कर देगा, निप्पल के जस्ट पीछे ला देगा, जैसे ही बच्चा न्यूरल स्टिमुलस करेगा सर उसके मुंह में दूध आ जाएगा। यही दो पॉइंट पढ़ा है सर। इन दोनों को हम आर्टिफिशियली भी यूज करते हैं, कभी कभी किसी फीमेल में अगर ऑक्सीटोसिन प्रॉपर नहीं पाया तो हम आर्टिफिशियल ऑक्सीटोसिन भी देते हैं, और आर्टिफिशियल ऑक्सीटोसिन का नाम पिटोसिन कहलाता है। ये आर्टिफिशियल ऑक्सीटोसिन है। अब पिटोसिन लोगों को पढ़ाया जाता नहीं है तो कहते हैं इंजेक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन इज गिवन। जब हम सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन यूज करते हैं तो उसका सही नाम पिटोसिन है। यही काम दूध वाले भी करते हैं, क्योंकि दूध वाले क्या करेंगे सर, वो तुरंत एक इंजेक्शन लगाते हैं, कभी कभी देखा होगा, और थोड़ी के बाद वो दूध निकाल लेते हैं, क्योंकि वो भी बने बनाए दूध को निप्पल के पीछे ला देते हैं, जिसको हाथ से वो निचोड़ के निकाल देते हैं। तो पॉइंट इज हेल्प इन नॉर्मल चाइल्ड बर्थ, हेल्प इन नॉर्मल चाइल्ड बर्थ बिकॉज इट कॉजेज, बिकॉज इट कॉजेज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्राइन मसल्स, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटराइन मसल्स। नेक्स्ट, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन नेक्स्ट, आर्टिफिशियल ऑक्सीटोसिन ब्रैकेट में पिटोसिन is given to assist its function. Artificial oxytocin is given to assist its function. Assist its function मतलब दोनों आ जाएगा ना, normal child birth में भी आप कर सकते हैं और दूध निकालने में भी कर सकते हैं। एक नाम और है, इसको हम हार्मोन ऑफ लव कहते हैं। अगर अब आप में ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ जाए तो यू हैव अ लॉट ऑफ अफेक्शन टू द अपोजिट साइड, जो सामने होगा जिसको देख करके, जिस स्टिमुलस के प्रति आप में ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ा है,
तो उसके प्रति आपके अंदर आकर्षण क्रिएट कर देता है। तो हमने कभी लिम्बिक सिस्टम पढ़ाया था, अमाइगडाला, लव सेंटर, तो ये लव हार्मोन है, ये ध्यान रखिएगा। और इसी हार्मोन के चक्कर में एक मां उस दर्द को भी सहन कर लेती है जो दुनिया में सबसे बड़ा दर्द माना जाता है, नॉर्मल चाइल्ड बर्थ। लेबर पेन सबसे इंटेंस पेन होता है और उस समय आपने अभी भी पढ़ा ऑक्सीटोसिन लेवल पीक पर होता है, और नहीं तो एक अभी आपको कील चुभ जाए फिर देखिए 3 दिन तक आप कराहते रहोगे। और वो मां उस दर्द को भी सहन करती है सिर्फ इस खुशी में, उस प्यार में कि शी इज बीइंग योर मदर। तो ये लव हार्मोन के नाम से जाना जाता है, बट आपके सिलेबस में ये कंसीडर नहीं करते लोग, तो हम लिखा नहीं रहे। अगला हार्मोन है एडीएच। इसी का दूसरा नाम है वैसोप्रेसिन। एंटी डायरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन कहीं पढ़ा हुआ होगा आपका, जब आपने रीनल ट्यूब्यूल पढ़ा होगा तब आया होगा, ऐसे कहीं फंक्शन पढ़ा था। तो एडीएच आकर के पानी का एब्जॉर्प्शन कराता था, कराता तो वो डीसीटी में भी था और कलेक्टिंग डक्ट में भी कराता था, लेकिन प्रेफर आप कलेक्टिंग डक्ट को करिए, डीसीटी पर ज्यादा रोल एल्डोस्टेरॉन का। तो आपकी किताब की भाषा है इट एक्ट ऑन द रीनल ट्यूब्यूल, प्रमोट द एब्जॉर्प्शन ऑफ वॉटर, प्लस लिखा है इलेक्ट्रोलाइट, लेकिन आप वाटर को प्रेफर करिएगा। ये बात हमने एल्डोस्टेरॉन में भी आपसे कहनी चाहिए थी कि एल्डोस्टेरॉन प्राइमरली एक्ट ऑन द सोडियम, लेकिन किताब में लिखा होगा इट स्टिमुलेट द एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर, लेकिन एल्डोस्टेरॉन का नाम है मिनरलोकॉर्टिकॉइड, सोडियम का एब्जॉर्प्शन करती है, वाटर तो उसको फॉलो कर जाता है। वैसे एडीएस सिर्फ पानी का एब्जॉर्प्शन कराती है, सोडियम उसको फॉलो कर जाता है। तो हम दोनों लिखाएं अगर तो वाटर अंडरलाइन कर दीजिएगा, और अगर ये पानी का एब्जॉर्प्शन कराती है तो यूरिन को क्या करती है, डाइल्यूट या कंसेंट्रेट, कंसेंट्रेट। भाई पानी अगर आप निकाल लेंगे दैट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंसेंट्रेशन ऑफ यूरिन। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने एडीएच का लेवल बढ़ जाए तो यूरिन कॉन्सेंट्रेट, और एडीएच का लेवल कम हो जाए डाइल्यूट। तो अगर आप पानी का एब्जॉर्प्शन कराएंगे तो पानी एब्जॉर्प्शन करके ब्लड में ही तो ले जाओगे आप, तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, ब्लड वेसल को प्रेस करता है तब भी तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो ये ब्लड प्रेशर भी बढ़ाता है, ब्लड वॉल्यूम भी बढ़ाता है, सर यूरिन को कंसंट्रेट करता है। माइंडस एक्ट ऑन रीनल ट्यूब्यूल, एक्ट ऑन रीनल ट्यूब्यूल एंड प्रमोट्स एब्जॉर्प्शन ऑफ वॉटर एंड इलेक्ट्रोलाइट, प्रमोट्स एब्जॉर्प्शन ऑफ वॉटर एंड इलेक्ट्रोलाइट। वॉटर अंडरलाइन कर दें, एंड मेक्स यूरिन कंसेंट्रेटेड, and makes urine concentrated, next it increases blood volume, it increases blood volume and blood pressure because it contract स्मूथ मसल्स ऑफ ब्लड वेसल, स्मूथ मसल्स ऑफ ब्लड वेसल, इसको ऐसे जोड़ें, इंक्रीज्ड एडीएच, अगर एडीएच बढ़ जाए मेक्स यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड, increased ADH makes urine concentrated and decreased ADH makes it dilute। तो अगर ये बात समझ में आ रही तो एक बीमारी यहीं पर है,
डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज इंसिपिडस। तो जो डायबिटीज इंसिपिडस है, इंसिपिडस का मतलब होता है टेस्टलेस, और टेस्टलेस का मतलब अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो वेरी डाइल्यूट समझिए। अगर कोई सोल्यूशन को बेहद डाइल्यूट कर दिया जाए तो उसके टेस्ट को बता पाना मुश्किल है। तो सर दिस डिजीज अपीयर्स बिकॉज ऑफ डिक्रीज्ड एडीएच। अभी आपने कहा था एडीएच घटेगा, और घटेगा नहीं सर, बहुत घटेगा। एडीएच अगर बहुत घट जाए तो यूरिन वेरी डाइल्यूट हो जाएगा। वेरी डाइल्यूट का मतलब खूब पेशाब करेंगे, दैट इज पॉली यूरिया। जानते हैं कितना पेशाब करेंगे, 20 से 30 लीटर पेशाब करेंगे एक दिन में। एक बार पेशाब करने में 300 ml, 3 मिनट, तो 3 लीटर पेशाब करने में कितना, 3 मिनट की बात की हमने खाली 300 ml के लिए, तो 3 लीटर पेशाब करना होगा तो 10 से गुणा करिए ना, 30 मिनट, आधा घंटा। और 30 लीटर पेशाब करना होगा तो 300 मिनट, 5 घंटा। यानी 24 घंटा में आप 5 घंटा खाली पेशाब करोगे। 24 घंटा में 5 घंटे का मतलब होता है हर 20 मिनट पे पेशाब करोगे लगभग। तो आप खाली पेशाब करके आओगे, बैठोगे और 5 मिनट फिर पेशाब करोगे। तो आप सोचोगे इतना पेशाब क्या हम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, इतना पानी कहाँ है आपके पास। तो सर पानी पिएंगे तो पॉलीडिप्सिया, यानी 5 घंटा पेशाब करिए और 5 घंटा पानी पीजिए। तो मैंने इससे आपको ही बताया, याद नहीं करना है, आप इस बीमारी को लाइटली मत लीजिएगा। लोग कहते हैं डायबिटीज मेलाइटस, वही बड़ी खतरनाक बीमारी भैया, बहुत करते। और ये क्या है, 10 घंटा खाली पानी के चक्कर में रह जाओगे आप, तो स्थिति बहुत बुरी है। पॉइंट इज ड्यू टू डिक्रीज्ड एडीएच, ड्यू टू डिक्रीज्ड एडीएच विच मेक्स यूरिन वेरी डाइल्यूट, विच मेक्स यूरिन वेरी डाइल्यूट। नेक्स्ट पॉलीयूरिया एंड पॉलीडिप्सिया, इसलिए इस बीमारी को लोग ड्रिंकर्स डिजीज भी कहते हैं, ड्रिंकर्स डिजीज। यानी ऐसी बीमारी जिसमें आदमी सिर्फ पीता है, लेकिन ड्रिंक का मतलब इंग्लिश में कुछ और होता है। पानी, दूध, चाय के लिए अंग्रेजी में टेक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। ड्रिंक हमेशा अल्कोहल के लिए इस्तेमाल करते हैं, यहां उससे मतलब नहीं निकालना है। अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हैं आप, साइंस पढ़ रहे हैं, तो इसलिए इसमें आदमी पीता रहता है पानी। तो अगर आप ध्यान दें तो हम लोगों ने 19 हार्मोन पढ़ लिए। एंटीरियर पिट्यूटरी के लिहाज से हमने 7 हार्मोन पढ़े, पोस्टियर पिट्यूटरी के लिहाज से हमने सिर्फ 2 हार्मोन पढ़े, तो 9 ये हो गए, और हाइपोथैलेमस ऑलरेडी 10 हो गया था। लेकिन जेहन में रखिएगा जरूर कि जो ऑक्सीटोसिन और एडीएच आप बदनाम कर रहे हैं कि पोस्टियर पिट्यूटरी का हार्मोन है, वो सिर्फ विजुअलाइज हो रहा है, एक्चुअली वो मटेरियल हाइपोथैलेमस का ही है। तभी आपने इसको न्यूरल कंट्रोल कहा था। एक नोट लिखिएगा, एक शब्द हम ब्रॉड डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन ये आपको कहीं ऑप्शन में मिल जाता है, इंडोरफिन्स। ऐसा नहीं है जितने हार्मोन आपको पढ़ा दिए जा रहे हैं यही खत्म है, ये तो शुरू है। ऐसा थोड़ी ना, आप फील्ड में अगर आगे जाएंगे तो बहुत सारे हार्मोन आपको पढ़ने को मिलेंगे। तो मुश्किल से आप पूरे चैप्टर में 30-35 हार्मोन पढ़ोगे, इससे ज्यादा नहीं पढ़ते हो। तो उन्हीं में से एक केमिकल ये भी है, इंडोरफिन। भाई कोई भी केमिकल मैसेंजर होगा इंट्रासेलुलर तो वो हार्मोन का काम करेगा, ट्रेसेस में निकलना चाहिए, यही डेफिनेशन हो गई थी हार्मोन की। तो ये इंडोरफिन नाम का हार्मोन 2 जगह से निकलता है सर, हाइपोथैलेमस से भी निकलता है
और पिट्यूटरी से भी निकलता है, दोनों जगह से। तो पॉइंट है कि जो एंडोर्फिन है हमारा, ये निकलता कब है? तो जिस समय आपके मेटाबोलाइट ज्यादा होती है, जिस समय मेटाबोलाइट ज्यादा होगी उस समय एंडोर्फिन भी ज्यादा होगा। काम क्या करता है? ये आपके अंदर पेन का परसेप्शन कम कर देता है। पेन आपको परसीव जल्दी नहीं होता, पेन परसेप्शन रिड्यूस कर देता है। तो यही नाम बताना था आपको। एंडोर्फिन इज अ केमिकल या हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी विच रिड्यूसेस परसेप्शन ऑफ पेन। इट्स अ सिक्रीशन इंक्रीजेस ड्यूरिंग द हाई मेटाबॉलिक रेट। एप्लीकेशन बताते हैं। जब आप एक्सरसाइज मोड में होते हैं, सपोज करिए आप गेम खेल रहे हैं, आउटडोर गेम एक्सरसाइज वाला, फुटबॉल ही खेल रहे हैं, तो फुटबॉल खेलते वक्त मेटाबोलाइट हाई होगा, एंडोर्फिन हाई होगा, खूब ज्यादा हाई होता है। और कई बार आप महसूस करिए खेलते खेलते हमको चोट लग जाती है और हमको पता भी नहीं चलता। इसीलिए पता नहीं चलता क्योंकि उस समय एंडोर्फिन पीक पर था। फिर आप घर आ जाते हो, फिर धीरे 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 उसका मेटाबोलाइट डाउन होता है, खाना वाना खा के सो जाते हो, सवेरे उठते हो, हाय राम पैर का क्या हुआ। ऐसा कभी हुआ है? तो घर वाले कहते हैं कि आपको चोट लग गई है, कहते ना चोट नहीं लगी, चोट लगती तो हमको पता नहीं चल जाता। तो ऐसा कई बार होता है, आपकी बॉडी जो है मूवमेंट में होती है और आपको दर्द का एहसास नहीं होता है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द हाई एंडोर्फिन। वही एंडोर्फिन का लेवल जब कम होगा तब आपको सुबह जब रात भर 4-6 घंटे सो लेंगे तो एकदम बीएमआर नॉर्मल हो जाएगा, तो आपको पता चलता है। और ऐसा ही आप देखेंगे कि जब कोई गेम हो रहा होता है, कभी कभी कोई प्लेयर को चोट लग जाती है तो डॉक्टर सो कॉल्ड आता है दौड़ा दौड़ा, और वो पता नहीं क्या 2 मिनट में करता है, वो तुरंत पैर और यूं यूं करके सही हो जाता है, देखा है? और तुरंत खेलना, फिर बेहोश हो गए थे, एकदम खड़े थे, बड़ा हादसा ना हो तो पता नहीं क्या 5 मिनट यूं यूं करता है और ठीक हो जाते हैं आप, वो यही लेके आता है। कि कितनी भी चोट लग गई होगी वो तुरंत एंडोर्फिन डाल देगा, दर्द का एहसास खत्म हो जाएगा क्योंकि अभी आपको खेलना है। ज्यादा चोट होती तो भले उसको आउट ऑफ द फील्ड लाते हैं, अदरवाइज खेल लगता, शाम को निपट लेंगे जो होगा, अभी तो गेम पूरा कर ले दीजिए, तो वो एंडोर्फिन ही होते हैं। यही लिखना है आपको। पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस सिक्रीट्स अ केमिकल एंडोर्फिन, सिक्रीट्स अ केमिकल एंडोर्फिन, एंडोर्फिन विच डिक्रीजेज परसेप्शन ऑफ पेन, विच डिक्रीजेज परसेप्शन ऑफ पेन। नेक्स्ट, एंडोर्फिन सिक्रीशन रिमेन्स हाई During exercise, endorphin secretion remains high during exercise. Yani, jab metabolite zyada ho tab. Yes, okay.